हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मुझे ना अपने बाल काफी दिनों से कटवाने थे। मेरे पूंछ जैसे बाल बहुत लंबे हो गए थे, बहुत तो नहीं बट थोड़े से हो गए थे, क्योंकि हम लोग नए थे चाइना में तो हमें आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना चाहिए। बट फिर मेरी एक चाइनीज फ्रेंड ने सजेस्ट किया तो हमने सोचा कि चलो आज वहाँ चलते हैं। पहले दिन तो हम लोग जैसे गए तो पता चला कि उनके पास तो अभी अपॉइंटमेंट नहीं था, तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो ठीक है नेक्स्ट डे आते हैं। फिर दूसरा दिन हम लोग पहुँचे और उसमें भी ये था कि उन्होंने बोला कि मैम आप एक घंटे बाद आइएगा, तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है फिर एक घंटे हम लोग घूम ही लेते हैं। फिर हम लोग निकल दिए घूमने को, फिर इधर उधर घूमते हम लोगों ने थोड़ा जूस पिया, शॉपिंग की, फिर फाइनली हम लोग दोबारा पहुँच गए। और ये जिस तरह से इन्होंने मेरी कोट रख के लॉकर की चाबी मेरे हाथों पे पहनाई है ना, ऐसा लग रहा था यार ये मेरी संपत्ति की कुंजी है। और असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम आपको कौन सा हेयर कट चाहिए। मतलब मजा तो तब आता है ना चाइना में, यही होता है कि जब भी आप ऐसा कुछ भी बताना चाहो और किसी को कुछ समझ नहीं आता, मतलब आप टोटली डिपेंडेंट होते हो ट्रांसलेटर पे अगर आपको चाइनीज नहीं आती तो। And I hope you all can understand कि this struggle is real। और ऐसा ही नहीं है, struggle one-sided नहीं होता, सामने वाला आदमी भी बहुत कोशिश कर रहा होता है कि ये अजीब सी दिखने वाली लड़की बोलना क्या चाहती है। Finally मैंने हेयर स्टाइलिस्ट को समझाने की कोशिश की कि हाँ मेरे को ऐसा बाल चाहिए। उन्होंने मेरे को बोला मैम आपके बाल बहुत ही पतले हैं और बहुत वेवी हैं तो बैंग्स तो नहीं हो सकते। फिर उन्होंने मेरे को कुछ हेयर स्टाइल सजेस्ट की और मैं बहुत कंफ्यूज थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना। फिर फाइनली एक डिसाइड हुई, और जिस तरह से मुझे ये कोट पहनाई गई मुझे लगा कि चलो भाई अब रेसलिंग करते हैं। बट बाद में मुझे बताया गया कि नहीं आपका हेयर वॉश करने के लिए ले जा रहे हैं। और मैंने बताया ना कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, भाई मैं इस बंदे को समझा रही हूँ कि पानी बहुत ज्यादा गर्म है, मेरे सर में लग रहा है, इसे समझ ही नहीं आ रहा। फाइनली ट्रांसलेटर बाबा की मदद से इसे थोड़ा समझ आया, तो फिर इसने पानी का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल किया और फिर शुरू होता है असली प्रोसेस, जिसमें मेरे नाई भैया हेयर स्टाइलिश अपना छुरा कैंची लेके आ गए फाइनली मेरे बालों को कुतरने के लिए। ये आप लोग मेरे चेहरे पे बहुत ही क्लियरली देख सकते हो, दुख दर्द पीड़ा। यार बाल कितने भी पतले हो या जो भी हो बहुत ही मुश्किल से बढ़ते हैं, तो जब कटता है ना तो बहुत दुख होता है, चाहे वो बाल हो या ये। इतनी शिद्दत के साथ ये आदमी मेरे बालों को कुतर रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा हो मुझसे। बट जो भी हो यार, बंदा काम अच्छा कर रहा था। एंड फाइनली इट्स डन। बट हम लड़कियां किसी भी चीज में एक बार में ऐसा सेटिस्फाई हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैं उसे बताई थी कि यहां से और कट करो, ऐसे कट करो, वैसे कट करो। अभी थोड़ा सा और स्ट्रगल सुनो। मेरे बाल अभी गीले थे और मैं इस बंदे को समझा रही हूँ कि सर मेरे बाल ऐसे, एक्टिंग में ही देखो मैं ऐसे समझा रही हूँ, मेरे बाल ऐसे ऐसे गीले हैं, इसे और ड्राई करो, और उसे समझ नहीं आ रहा। फाइनली ट्रांसलेट करके ही दिखाना पड़ा एंड फाइनली इट्स डन। न्यू हेयर कट के बाद आप मेरे चेहरे की खुशी देख ही सकते हो। एंड फाइनली इट्स डन। ये रहा मेरा नया हेयर कट, जहाँ मैंने थोड़ी सी कोशिश की है चाइनीज लुक लेने की, बट आई डोंट नो हो पाया है कि नहीं, बट मुझे तो यार अच्छा लग रहा था ये हेयर कट। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था इंडिया से। और आपको कैसी लगी मेरी हेयर स्टाइल कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।